हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। जिस तरीके से हमने रेगुलर लैंग्वेजेस में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में क्लोजर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं सम ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस एंड हाउ दे आर प्रूव्ड। किस तरीके से अगर एग्जाम में उनको प्रूफ करने के लिए आता है तो हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर L1 एंड L2 आर टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, इफ़ L1 एंड L2 दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आपको दे रखी हैं, देन L1 यूनियन L2 इज आल्सो CFL, तो उनका यूनियन भी क्या होगा, दैट इज आल्सो द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये कहलाती है यूनियन प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की, वो क्या कहती है कि अगर L1 एंड L2 दोनों कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हैं तो L1.L2 भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। यानी उनका कंकेटनेशन कर देते हैं अगर लैंग्वेजेस का, तब भी वो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर L1 आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो उसका अगर हम क्लीन स्टार क्लोजर करते हैं तो वो भी क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। यानी किसी भी लैंग्वेज का क्लीन स्टार क्लोजर निकालें तो वो भी हमारा क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही आएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी यूनियन प्रॉपर्टी को कि यूनियन प्रॉपर्टी अगर आती है तो कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यूनियन प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हेल्प लेंगे कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दे रखी हैं उनके करस्पॉन्डिंगली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर निकालेंगे। ठीक है, जो भी अगर मान लीजिए L1 L2 मेरे को कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दे रखा है तो मैं L1 L2 के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री जो ग्रामर होगी वो निकाल लूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि दोनों ग्रामर्स का अगर मैं दोनों ग्रामर्स का यूनियन निकालूं और वो यूनियन जो ग्रामर्स का है वो भी क्या निकल आए, वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर निकल आए, तो इसका मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज का यूनियन है वो भी क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो आ रही हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से। ठीक है, तो अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वो प्रॉपर्टी दिखा रही है कि भाई यूनियन लेने पर अगर दो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूनियन लिया जाए तो यूनियन लेने के बाद जो ग्रामर आ रही है वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, इसका मतलब क्या होगा, करस्पॉन्डिंगली जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आएगी वो भी, उसका यूनियन भी क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर L1 मेरी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो मान लीजिए मैंने लैंग्वेज मान ली A^n B^n वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है जिसमें नंबर ऑफ ए'स इक्वल है नंबर ऑफ बी'स के, पहले ए आएंगे उसके बाद बी आएंगे। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि इसके लिए करस्पॉन्डिंगली क्या एग्जिस्ट करेगी, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एग्जिस्ट करेगी, देयर एग्जिस्ट करस्पॉन्डिंग ग्रामर, वो ग्रामर मैंने लिख ली क्या, L1 के लिए S1 ग्रामर एग्जिस्ट करेगी। और क्योंकि AnBn के लिए निकालना है तो हमने आपको ऑलरेडी वीडियोज में बताया था किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर निकालते हैं। तो ये क्या है, A स्टार्टिंग में एंड में B आए, ठीक है, N की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी इसकी स्ट्रिंग क्या क्या होंगी, इसकी स्ट्रिंग्स होंगी AB AABB AAABBB एंड सो ऑन। तो हमें पता है अगर इस टाइप की स्ट्रिंग मुझे चाहिए तो उसकी ग्रामर कैसे लिखेंगे, S1 टेंस टू AS1B, A से स्टार्ट हो और एंड किससे हो, B से। और क्योंकि मुझे बहुत सारी वैल्यू चाहिए AB के बाद AA BBB 4 times A 4 times B, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, S1 यहाँ पर लिख दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे मैं बार बार उसको कॉल कर सकता हूँ, बार बार S1 की वैल्यू को इसमें पुट करता जाऊँगा तो मेरे को सारी स्ट्रिंगें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ए भी क्यों लिखा है, स्लैश करके ए भी लिखने का मतलब है कि S1 टेंस टू सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, ए भी। यहाँ देख लो सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो हमेशा यहाँ लिखी जाएगी, और बाकी कॉम्बिनेशन कैसे निकलेंगे, इसमें वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, बाकी डिटेल में जो हमने वीडियो आपको बताया है जिसमें हमने लैंग्वेजेस को CFL को CFG में कन्वर्ट करना बताया, वहाँ आप डिटेल में समझ सकते हैं कि कैसे ये निकालते हैं। तो इस लैंग्वेज के लिए कौन सी CFG आ गई, S1 टेंस टू AS1B और AB, A से स्टार्ट B से है। ठीक है, ये जो पूरी आपकी ग्रामर निकल के आई इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, G1।
L1 के लिए G1 ग्रामर। इसी तरीके से मैंने एक लैंग्वेज दूसरी L2 एज्यूम की, वो भी इसी तरीके से एज्यूम कर ली, C की पावर M, D की पावर M, जिसमें नंबर ऑफ C कितने हैं, किसके कॉलम होंगे, जितने नंबर ऑफ D में नंबर ऑफ D's हैं, M की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसके लिए भी क्या होगा, एक करस्पॉन्डिंगली ग्रामर एग्जिस्ट करेगी, और वो ग्रामर क्या होगी, S2 टेंस टू C, S2 D, C से स्टार्ट, D से एंड। और क्योंकि सबसे पहले स्ट्रिंग इसकी क्या निकल के आएंगी, स्ट्रिंग्स L2 की CD, CCDD, CCCDDD एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CS2D, और सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, CD, तो S2 टेंस टू CD आ गई, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज L1 और L2 का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, L इक्वल टू L1 यूनियन L2 होगा, ठीक है। तो जो उनकी करस्पॉन्डिंगली ग्रामर होगी वो किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, जो ग्रामर जी होगी, S टेंस टू S1/L2, यानी L1 यूनियन L2 को ग्रामर की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, S टेंस टू S1/S2, ठीक है। तो अब ओवरऑल हमारी ग्रामर क्या आ गई, इसके लिए तो आ गया ये वाला एक्सप्रेशन, ये लिख दिया, और बाकी L1 L2 के लिए क्या है मेरा, G1 वाला ये एक्सप्रेशन और G2 वाला ये एक्सप्रेशन। अब भी आप देखिए यूनियन करने का जो एक्सप्रेशन आया, अभी ओवरऑल ग्रामर है वो क्या है, स्टिल इट इज़ ए कॉन्टेस्ट फ्री ग्रामर, जो भी कॉन्टेस्ट फ्री ग्रामर के रूल्स हैं वो ये ग्रामर अब भी फॉलो कर रही है। और क्योंकि ये जो ग्रामर जी है ये अब भी कॉन्टेस्ट फ्री ग्रामर है, क्योंकि ग्रामर कॉन्टेस्ट फ्री ग्रामर के रूल को फॉलो कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि करस्पॉन्डिंगली जो L1 यूनियन L2 है वो भी क्या होगा, कॉन्टेस्ट फ्री लैंग्वेज होगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो ग्रामर आ रही है वो भी क्या है, कॉन्टेस्ट फ्री ग्रामर है, इसलिए यूनियन जो L1 और L2 का है वो भी क्या होता है, कॉन्टेस्ट फ्री ग्राम लैंग्वेज होता है। क्यों, क्योंकि उसकी करस्पॉन्डिंग जो ग्रामर है वो भी क्या है, कॉन्टेस्ट फ्री ग्रामर है, ठीक है। अब सेम आता है अगर कंकेटेनेशन पे आते हैं, ठीक, देख लीजिए L1 मान लीजिए A1 BN, N की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेम जो यहाँ लिखा हुआ था। तो G1 क्या होगा, S1 टेंस टू AS1 B और AB, ठीक। ऐसे ही L2 क्या होगा, CM DM, M ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज M। तो G2 क्या आ जाएगा, S2 टेंस टू CS2 D, दिस इज CS2 D एंड दिस इज CD, ठीक। तो जब दोनों का कंकेटेनेशन करेंगे L1 L2 का, तो वो क्या आएगा, L1.L2, और जो करस्पॉन्डिंग ग्रामर होगी उसका क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग ग्रामर क्या आएगी, S टेंस टू S1.S2। भाई L1.L2 की करस्पॉन्डिंग ग्रामर क्या होगी, S टेंस टू S1.S2 होगी, ठीक है। अब ओवरऑल ग्रामर क्या होगी हमारी, एक तो ये होगी S टेंस टू S1.S2, S1 की वैल्यू क्या है हमारी, ये रही, S2 की वैल्यू क्या है, ये रही। अब ये देखिए जो ऊपर ओवरऑल ग्रामर हमारी निकल के आई, ये क्या है, ये अब भी किसको फॉलो कर रही है, पूरी ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के रूल को फॉलो कर रही है, यानी कंकेटेनेशन करने के बाद भी जो ग्रामर वाला पार्ट आया वो भी किसको फॉलो कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के रूल को फॉलो कर रहा है, कि राइट लेफ्ट में सिंगल वेरिएबल और राइट में कोई भी कॉम्बिनेशन हो टर्मिनल नॉन टर्मिनल्स का, ठीक है। इसलिए क्योंकि इनका कंकेटेनेशन लेने के बाद भी ये ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसलिए करस्पॉन्डिंगली कंकेटेनेशन के बाद जो लैंग्वेज होगी वो भी क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, क्लीन स्टार, कि अगर L1 आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो उसका क्लीन स्टार क्लोजर भी क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। उसको देख लीजिए, मान लीजिए L1 लैंग्वेज क्या है आपकी, A की पावर n, B की पावर n, n > 1, तो करस्पॉन्डिंगली ग्रामर क्या हुई इसकी, S1 टेंस टू AS1 B AB, ठीक है। अब अगर मैं L1 स्टार निकालता हूँ, L1 स्टार का मतलब क्या हुआ, L1 मुझे पता है A की पावर n, B की पावर n, तो A की पावर n, B की पावर n का स्टार क्या हो गया, एप्सिलॉन AN BN की पावर 1, AN BN की पावर 2, भाई यही तो होता है स्टार में, एक तो लैम्डा वैल्यू होती है एप्सिलॉन, फिर पावर 1, फिर पावर 2, पावर 3, पावर 4, इस तरह से वैल्यू आती हैं। तो L1 स्टार की वैल्यू क्या आएंगी, ये आएंगी। और अगर इसकी स्ट्रिंग निकालनी है तो कैसे बनेंगी, अब अगर इसकी स्ट्रिंग निकालनी है L1 स्टार के लिए, इस वाली लैंग्वेज के लिए,
तो वो स्ट्रिंग कैसे निकल के आएंगी, कौन सी ग्रामर से निकल के आएंगी, इससे। एक तो वैल्यू एप्सिलॉन होगी एच टेंस टू एप्सिलॉन, और बाकी अगर ये वैल्यू मुझे चाहिए ए एन बी एन का वन, ए एन बी एन का टू, तो मैं क्या करूँगा एच टेंस टू एस एस वन लिखूँगा, जहाँ पर एस वन क्या है, एस वन की वैल्यू ए एन बी एन। अब आपको जो भी कॉम्बिनेशन निकालना है इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए ये ग्रामर में। ये ग्रामर कैसे आई, ये ग्रामर के लिए फिर हमने वही रूल बताया आपको, लैंग्वेज दे रखी है उसको CFL में CFG में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका हमने अलग से वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करिए आपको सारी ये स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी, ठीक। अब ये जो हमारी निकल के आई लैंग्वेज जो हमें दे रखी थी ये वाली, इसकी जो ग्रामर निकल के आई, तो एक तो ये ग्रामर का रूल हो गया ये वाला, और एक ग्रामर का रूल ये वाला हो गया, ठीक है। L1 स्टार के लिए हमने ये लिख ली, और बाकी एक हमारे पास रूल ये है ही। अब देखिए कि ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन आया, क्या ये CFG को फॉलो कर रहा है, क्या ये CFG को फॉलो कर रहा है, देखिए क्या कोई इसमें ऐसा रूल लिखा हुआ है जो कॉन्टेफ्री ग्रामर के रूल को वायलेट कर रहा हो, नहीं। कॉन्टेफ्री ग्रामर के जो भी रूल्स हैं कि लेफ्ट में सिंगल वेरिएबल, राइट में टर्मिनल नॉन टर्मिनल या नॉन टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन, उसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये पूरी ग्रामर क्या है, ये पूरी ग्रामर आपकी CFG है, और जब ये पूरी ग्रामर CFG है तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो लैंग्वेज होगी L1 स्टार वो भी क्या होगी, वो भी आपकी कॉन्टेफ्री लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो ओवरऑल तीनों जो रूल्स हैं उसके लिए हमने किसकी हेल्प ली है कि ये लैंग्वेज है उसका यूनियन या उसका कंकेटेनेशन या उसका क्लिनिस्टर क्लोजर भी कॉन्टेक्स्ट-फ्री लैंग्वेज है, उसको प्रूफ करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, कॉन्टेक्स्ट-फ्री ग्रामर के रूल्स का यूज़ किया है, जो कॉन्टेक्स्ट-फ्री ग्रामर के बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमें पता है लेकिन उसको प्रूफ कैसे करते हैं वो भी हमें आना चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।